अब जल्दी से दीदी को तलाक दे दो। मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ, पर वह है कि मेरे पीछे नहीं छोड़ी है। तुम कैसे भी करके दीदी से तलाक ले लो। मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, इन पेपर्स में साइन करो और मेरा पीछा छोड़ो। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कब मना किया? तुम उसके साथ रहो, पर प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। ठीक है, वाह निशा वाह, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। अब क्या हुआ दी? डायन भी सात घर छोड़ के वार करती है, तूने तो अपनी बहन को नहीं छोड़ा। खबरदार रिंकी, जो निशा के बारे में एक भी शब्द कहा। भाभी, सही तो कह रही रिंकी। भगवान के लिए आप बीच मत पड़िए। चलो निशा। सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुमने रोहित से शादी क्यों की? क्योंकि मैं रोहित से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादे जान चुका हूँ। क्या जान चुके हैं आप? यही कि तुम रोहित से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती हो। तो आखिर आप जान ही गए? देखो, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा दौलत दूंगा। पर कैसे? जो प्यार तुम रोहित पे लुटाती हो वही मुझ पे लुटाया करो। ठीक निशा, तो अब समझा तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही थी। देखो, मैं मन से प्यार करने लग गई हूं। तुम सिर्फ लोगों की दौलत से प्यार करती हो। जुबान संभाल के बात करो। पागल था मैं जो तुम जैसी लड़कियों के लिए अपनी देवी जैसी बीवी से लड़ बैठा। अमन भैया चलिए जल्दी से उठ जा। भैया, क्या हो भैया को? कैसे हुआ? हेलो पुलिस स्टेशन, किशन निवास से मर्डर हो गया है। प्लीज आप जल्दी से आइए।
चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए मैडम, पीछे हटिए। बॉडी को देखकर लग रहा है घर के किसी शख्स ने ही कत्ल किया है। भला हमें से कोई बुजुर्ग क्यों मारेगा? भगवान करे आपकी बात सही। हेलो, हेलो, मैं डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। चाकू तो मिले, उनको निशान और पूछा के फिंगर प्रिंट दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, धीरज रखिए भाई, सब ठीक हो जाए। निशा जी आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? अमन को मारने के जुर्म में। भला मैं अमन को क्यों मारूंगी? वो सब पुलिस स्टेशन में बताना। चलिए। लेकिन चलिए। हाँ तो ये बताइए आपने अमन को क्यों मारा? सर मेरा यकीन करिए, मैंने अमन को नहीं मारा। देखो सच बता दो, शायद कानून आपकी कुछ मदद कर दे। तो मैं आपको कैसे समझाऊं? चाकू पर लगे उंगलियों के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि कत्ल आपने ही किया है। जी सर, मैं अमन से प्यार जरूर करने लग गई थी लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ठीक है आप जा सकते हैं। लगता है मुझे एक बार फिर से अमन के घर का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। रोहित जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप ले सकते हैं। ये इयररिंग किसकी है? मुझे क्या पता किसकी है? तुम्हारे घर की चीज, और तुम्हें नहीं पता किसकी है? मुझे पता है ये इयररिंग किसकी है। रिंकी जी बताइए किसकी है? मेरी पत्नी यानी कि इनकी। अब याद आया? चलो चलो चलो। चल वहां खड़ा। क्यों मारा अमन को? सर मैं निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
बदला लेने के चक्कर में तुमने अपने बड़े भाई का ही कत्ल कर दिया। इस गुनाह के लिए कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चल अंदर चल।